Thank you all children. Today we will read pronoun, grammar, the topic pronoun. As you know, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. There are eight kinds of part of speech. उसमें से हमारा ये प्रोनाउन सेकेंड पार्ट का है. नाउन को हम लोगों ने पढ़ा, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन एंड थिंग्स सो ऑन, द नेमिंग वर्ड्स. बट द प्रोनाउन क्या है, व्हाट्स प्रोनाउन? प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं. सर्वनाम, इसका हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, अर्थात सभी नाम. सभी नाम के बदले जिसको हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो प्रोनाउन. अब जैसे प्रोनाउन में जैसे सर्वनाम है, सर्वनाम ठीक है, हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन है. तो इस प्रकार से प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं. आई, वी, यू, ही, दे, देन, दे देन, यू, यू, ही, सी, इट, दिस, दैट, इट, हु, इट इज, ये हमारा प्रोनाउन है. आई, वी, दे, दैट, दिस, दिस, दे, ही, हिज, हिम, हर, सी, ठीक है, और भी है, ये सब प्रोनाउन है. अभी प्रोनाउन में कौन सा किस कैटेगरी में आता है, कौन सा फर्स्ट पर्सन में है, कौन सा थर्ड पर्सन में है, कौन सा सेकंड पर्सन में है, ठीक है, इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे. अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन के ये एग्जांपल्स हैं, ये सब प्रकार के प्रोनाउन्स हैं, ये इसमें सब प्रकार के प्रोनाउन्स हैं. इसमें रिफ्लेक्सिव भी है, इसमें पर्सनल भी है, इसमें इंफ्लेक्सिव भी है, इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव भी है, ठीक है, इसमें रिफ्लेक्सिव भी है. तो ये सब प्रकार के प्रोनाउन्स हैं. अब प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या है, कोई कह दे कि व्हाट इज प्रोनाउन, गिव द डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउन. तो इसका डिफिनेशन हम लिख लेंगे भैया बहनों, डिफिनेशन ठीक है, लिखते भी जाएंगे. डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, पहले आप क्वेश्चन करेंगे कि कौन बता सकता है, हु टेल अबाउट, हु विल टेल अबाउट द प्रोनाउन. अमर भैया, आशीष पांडे, टेल अबाउट, हाँ यस ठीक है, राइट राइट. ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, हाँ ठीक, यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन, राइट, यू टोल्ड, राइट. ए प्रोनाउन लिखे हो जाएंगे, ए ए प्रोनाउन ही ए वर्ड, ठीक है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड
in place of used, in place of noun, in place of noun के बदले, ठीक है, इसको सब समझ रहे हैं, नाउन के बदले प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे नाउन कोई राम है, श्याम है, रीता है, गीता है, मदर है, फादर है, ठीक है, उनको हम क्या शक कर सकते हैं, राम को यू कह सकते हैं, राम स्वयं है तो आई कह सकता है, ठीक है, राम श्याम है दे कह सकते हैं, देव कह सकते हैं, ठीक है, यू योर्स। तो इस प्रकार से कोई लड़की है, रीता है तो सी कह सकते हैं, लड़का है ही कह सकते हैं, दैट कह सकते हैं, दिस कह सकते हैं, ठीक है, हुज किसका है अर्थात किसकी पेन है, हुज बुक इज दिस, हुज पेन इज दिस, ठीक है, हु गो देयर कौन वहां जा रहा है, माने कोई व्यक्ति अर्थात कोई नाउन होगा, तो नाउन के बदले ये तमाम प्रकार के जो हमारा ये प्रोनाउन है ये प्रयोग में आए हैं, इसलिए इनको हम प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। अब प्रोनाउन कितने हैं, जैसे हम प्रोनाउन को देखते हैं कि प्रोनाउन जो है ये कितने प्रकार के हैं, अर्थात अब आप बुक में देखते हैं कि प्रत्येक बुक में अलग अलग प्रकार से हैं, लेकिन हम इसको उठाते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, अब ये प्रोनाउन इसका डिफिनेशन हो गया, अब डिफिनेशन के आधार पर काइंड, ठीक है, काइंड ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, अब ये छह प्रकार का है, ये छह प्रकार का है, सिक्स काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, देर आर सिक्स काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, देर आर बोलो हस्पाणा बोलो, हाँ देर आर सिक्स काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, इसको लिख देते हैं, देर आर सिक्स काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, उसमें से पहला फर्स्ट, आप देखिए फर्स्ट क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, PERSN पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या है, या किसी नीच का वर्णन करता है, तो हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जो है, जैसे ही रीड्स ए बुक, ठीक है, जैसे ही रीड्स ए बुक, एग्जाम्पल ही अर्थात एक क्वेश्चन है, ही रीड्स ए बुक, अब देखिए ही रीड्स ए बुक है तो क्या करता है, ही क्या है, प्रोनाउन, क्या है, प्रोनाउन, तो ही वह पढ़ता है बुक, ही रीड्स ए बुक, ठीक है, आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट, आई क्या है, प्रोनाउन हो गया। तो ये पर्सनल प्रोनाउन जो है, आप देखते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन में हम सबसे पहले आएंगे पर्सन पर, तो कौन से फर्स्ट पर्सन का है, कौन से सेकंड पर्सन का है, या कौन थर्ड पर्सन का है, इसको आप लोग चार्ट बनाएंगे, आप हम दे देते हैं, अभी हम इसका हम कैटेगराइज करेंगे पर्सन काइंड्स, ठीक है, अब इसका काइंड्स क्या हो जाएगा, ठीक है, आप देखते हैं इसका, अब इसका पर्सन, अभी जो पर्सन है प्रोनाउन का, ये पर्सन, अब इसमें तीन पर्सन है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पहला हो जाएगा
F-I-R-S-T, first person, P-E-R-S-O-N, first person में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? I, ठीक है, I और V, I and V आता है first person में, ठीक है? Second person में आता है you, ठीक है? You, yours, ठीक है? Third person, T-H-I-R-D, third person, इसको समझते चलेंगे ठीक से, कोई भैया बहने इधर उधर देख न पाए, केवल ब्लैक बोर्ड पर देखें, अपने टीचिंग एड्स को ठीक से समझें। तो थर्ड पर्सन हो जाएगा ही, ठीक है, ही, सी, ईटीसी, ठीक है। अभी हम केवल शॉर्टकट एग्जांपल को, तो ये हमारा पर्सन हो गया। अब पर्सन के हिसाब से हम ट्रांसलेट करने के लिए हम प्राय भूल जाते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं कि किस नंबर का पर्सन है, किसके साथ क्या लगाएंगे, आई के साथ माई लगाएंगे, वी के साथ अस लगाएंगे, यू के साथ योर लगाएंगे, ठीक है, योर दोनों एक है, ही के साथ हिज लगाएंगे, सी के साथ हर लगाएंगे, इट के साथ इट्स लगाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से एक पर्सनल प्रोनाउन ये चेंज होता रहता है, तो हम इसको चेंज करने का तरीका भी होना चाहिए, किस पर्सन में किसका कैटेगराइज कैसे होता है, इसका हम लोग आकलन ठीक से करेंगे और अपने मस्तिष्क में इसको बैठाएंगे, तब जाकर के आपका ये जो टीचिंग है आपके लिए ये लॉन्ग लाइफ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट होने के लिए हम इसको ठीक से देखेंगे। अब चलते हैं दूसरा, आज हमको इतना रह गया, इस प्रकार से इसको मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के बाद फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा इसको हम लिख लेंगे और इसको हम लोग ये बनाएंगे इसका चार। तो पहले आते हैं ये सेकंड, अब आ गए पहला में, ये तीन पार्ट हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हम आते हैं दूसरा प्रोनाउन, दूसरा में आ गया ये रिफ्लेक्सी, ठीक है, रिफ्लेक्सी, रिफ्लेक्ट, ठीक है, दूसरा हो गया रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्सी प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सी प्रोनाउन, और थर्ड हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। और फोर्थ हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, INT RR, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फाइव है डिमांड्रेटिव प्रोनाउन। सिक्स इंफेक्टिव प्रोनाउन, इंफेक्टिव प्रोनाउन। अब इसको लिख लेंगे इंफेक्टिव प्रोनाउन, ये जितने प्रोनाउन है इसमें से कोई ना कोई इंफेक्टिव है, कोई ना कोई रिलेटिव है, कोई इंफेक्टिव है और कोई ये पर्सनल है, तो कोई आपका इंट्रोगेटिव है, जैसे क्या है हु, क्या है प्रोनाउन हु, ये इस प्रकार से प्रोनाउंस के कैटेगराइज हो गया और इसका एक हम चार्ट बनाएंगे। आपको होमवर्क भी दिया जाएगा कि प्रोनाउन छांटिए, ठीक है, तो प्रोनाउन को छांटने के लिए हम आपको
देंगे, इसको आप छांट करके और अपने चूज करेंगे कौन सा प्रोनाउन, जैसे हम नाउन सेलेक्ट करते हैं, नाउन चूज करते हैं, उसी प्रकार से प्रोनाउन को हम लोग इसमें से सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आज हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा और किस प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड्स हैं, क्या है, इसको हम लोग आगे भी पढ़ते रहेंगे। इस प्रकार से आज प्रोनाउन संपन्न हुआ, इसका चार्ट बनाएंगे, हम आपको होमवर्क में देंगे। थैंक यू।